आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ ऐसे ट्रैक्टर सेलेक्ट किए हैं जो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, और ये माइलेज रियल मायने में किसान फीडबैक वाला मैं आपको बताने वाला हूँ। इसे मैंने ना केवल माइलेज के बेस में बल्कि माइलेज के साथ अच्छा दमदार इंजन मिले ऐसा ट्रैक्टर आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपको ट्रैक्टर चुनने में आसानी हो। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। आपको कौन सा ट्रैक्टर पसंद है या किसी ट्रैक्टर पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने 35 HP या फिर 55 HP से ऊपर वाले ये दो कैटेगरी के ट्रैक्टर को मैंने छोड़ रखा है, इसलिए क्योंकि अब जो मिट्टी है वो काफी ज्यादा हार्ड होना शुरू हो गया है। तो मेरा सजेशन है किसान भाइयों, आप 39 HP या 40 HP से ऊपर श्रेणी में जाइए, और 55 HP से ऊपर वाले जितने भी किसान भाई हैं जो ट्रैक्टर लेते हैं वो माइलेज को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, वो बेहतर परफॉर्मेंस को देते हैं। तो मैंने इसमें 39 HP से लेके 50 से 55 HP की श्रेणी में आपको कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा माइलेज देता है और साथ ही पावर भी आपको काफ़ी अच्छा मिल पाए, वो लिस्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 39 HP में वो कौन सा ट्रैक्टर है जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर माइलेज भी देता है। तो उसमें नाम आता है महिंद्रा 275 का, जहाँ ये ट्रैक्टर 39 HP के साथ आता है। साथ ही ये 248 CC का पावर जनरेट करता है, और इसे 39 HP जनरेट करने के लिए 2100 रेटेड RPM की आवश्यकता होती है। इस ट्रैक्टर में आपको 39 HP का काफी सक्सेस और भरोसेमंद इंजन देखने को मिलता है, जहाँ इस ट्रैक्टर में 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स जैसे गियर आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी अपनी श्रेणी में काफी बेहतर दी गई है 47 लीटर की। इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो ये ट्रैक्टर 5,75,000 के आसपास ये ट्रैक्टर आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र के हिसाब से। इस ट्रैक्टर में आप थ्रेसर, कल्टीवेटर, स्पीड ड्रिल जैसे अलग अलग इंप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। मैं उन किसान भाइयों को इसे सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर कोई रोटोवेटर चलाना चाहता है तो वो ये ट्रैक्टर ना लेके इसके आगे बताने वाले ट्रैक्टर में जा सकता है, क्योंकि इसमें रोटोवेटर में इंजन में काफी लोड आता है। हालांकि चला तो लेता है ये ट्रैक्टर, लेकिन लोडिंग की वजह से इसमें बेहतर परफॉर्मेंस आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप रोटोवेटर के लिए कोई ट्रैक्टर देख रहे हैं तो ये सेकेंड नंबर का ट्रैक्टर आपके लिए होने वाला है, जो कि है 40 HP में आइसर का 380। ये काफी सक्सेस है, मेंटेनेंस फ्री है, और काफी लोग इसे पसंद करते हैं, और जो भी किसान भाई इसे यूज कर रहा है वो पूरी तरीके से संतुष्ट है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर का 2500 CC का इंजन देखने को मिल जाता है, जो 2150 रेटेड RPM में काम करता है। इसमें भी सेम 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स आपको गियर देखने को मिलेगा, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 45 लीटर का देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग के मामले में 20 से 30,000 का डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिलेगा पुराने सेगमेंट से, जो कि है 5,90,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाएगी। 30,000 एक्स्ट्रा देने से आपको 1 HP ऊपर मिलने वाला है, और इसमें आप थ्रेसर, कल्टीवेटर और साथ ही रोटावेटर भी आप इसमें चला सकते हैं, और बेहतर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर माइलेज भी आपको मिलने वाला है। फिर किसान भाई, हम तीसरे नंबर के ट्रैक्टर बताते हैं आपको, जो कि है 42 HP। हम इसे सिक्वेंस वाइज आपको बताने वाले हैं, छोटी HP से लेकर बड़े HP तक। तो अभी आपको 42 HP में मैं आपको बता दूं, ये जो 42 HP है, ज़्यादातर किसान इस सेगमेंट की ट्रैक्टर को लेना पसंद करते हैं, और साथ ही इस सेगमेंट में हमने बहुत रिसर्च करने के बाद पाया है कि 2 ट्रैक्टर इसमें टाई हुए हैं, जिसमें पहला नाम आता है न्यू हॉलैंड का 3230 और दूसरा नाम आता है महिंद्रा का 475 DI। हालांकि 475 में आपको 40 HP और 42 HP दोनों आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। हम इस वीडियो में 42 HP का महिंद्रा 475 लिए हैं, जो कि 4 सिलेंडर के साथ आता है, और न्यू हॉलैंड में आपको 3 सिलेंडर देखने को मिलेगा। जहां न्यू हॉलैंड 2500 CC के साथ 2000 रेटेड RPM में काम करता है, वहीं आपको महिंद्रा में 2730 CC के साथ 1900 रेटेड RPM देखने को मिलेगा। दोनों ही सेम 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के साथ आएंगे, और दोनों में आपको 42 HP का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको न्यू हॉलैंड के साथ देखने को मिलेगा, और 48 HP का फ्यूल टैंक कैपेसिटी महिंद्रा के साथ देखने को मिलेगा। दोनों के प्राइस में न्यू हॉलैंड थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिलेगा। आपको मालूम होगा कि मार्केट में जितने भी ट्रैक्टर आते हैं, महिंद्रा कॉम्पिटिशन वाला प्राइस आपको देता है, थोड़ा सा मार्केट से कम ही प्राइस आपको देखने को मिलता है। तो इस मामले में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे महिंद्रा के ऊपर जाना चाहिए प्राइसिंग को लेकर, या फिर न्यू हॉलैंड के ऊपर। दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में बहुत सक्सेस इंजन है, काफ़ी फीचर लोडेड आपको इस ट्रैक्टर में देखने को मिलेगा, जहां कल्टीवेटर, रोटावेटर, जाइलोवेटर जैसे आप थ्रेसर वगैरह तो हर एक इंप्लीमेंट आप इसमें चला सकते हैं। दोनों ही ट्रैक्टर अपने अपने सेगमेंट में बहुत ही बेस्ट इन परफॉर्मेंस ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। अगर दोनों में से कोई भी आप ट्रैक्टर पसंद करते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। फिर किसान भाइयों, हम आते हैं एक ऐसा सेगमेंट जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, वो है 48 HP का, जिसमें मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, ये है फार्मटेक 45 स्मार्ट। हालांकि किसान भाई, फार्मटेक आपको नया ट्रैक्टर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मार्केट इसने कैप्चर नहीं किया, लेकिन यकीन मानिए ये ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा सक्सेस और साथ ही डीजल खपत में
किसान भाइयों को सरप्राइज दे देता है। इतना कम डीजल खपत आपको वो भी 48 HP में देखने को मिलेगा। इस वजह से ये इसका परफॉर्मेंस की वजह से, इजी टू मेंटेन की वजह से फार्माटेक 45 का मार्केट काफी अच्छा कैप्चर कर रखा है, जो कि 3 सिलेंडर के साथ 2900 cc का आपको इंजन इसमें देखने को मिलेगा, जो 2000 रेटेड RPM में काम करता है। और साथ ही किसान भाइयों इसमें भी 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स जैसे ऑप्शन मिल जाएंगे। और ये फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस सेगमेंट में काफी बड़ी आपको देखने को मिलेगी, 50 लीटर की आपको देखने को फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है। साथ ही किसान भाई इसकी प्राइसिंग को लेकर बात करूं तो ये ट्रैक्टर आपको 6,20,000 से लेकर 6,30,000 के आसपास प्राइस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। इस ट्रैक्टर में आपको कल्टीवेटर, रोटोवेटर, प्लांटिंग जैसे भी और बहुत से इम्प्लीमेंट आप इसमें चला सकते हैं। किसान भाइयों मल्टी फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर के साथ देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों 50 HP के सेगमेंट में, तो 50 HP के सेगमेंट में किसान भाइयों बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और तगड़े कंपटीशन में 50 HP में हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से बेस्ट ट्रैक्टर आप लोगों के लिए देते जा रहा है मार्केट में। और इस समय हमको बेस्ट ट्रैक्टर आपके लिए बताना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो रखा था, तो हमने इस सेगमेंट में आपके लिए 3 सबसे सक्सेस, बेहतर माइलेज और बेहतर परफॉर्मेंस वाले ट्रैक्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें पहला है जॉन डियर 50-50D, दूसरा है पावरटेक यूरो 50 और तीसरा है सोनालिका का 745 DI, थर्ड सिकंदर। ये तीनों ट्रैक्टर अपने श्रेणी में, अपने परफॉर्मेंस में लेकर, माइलेज खपत को लेकर बहुत ही बेस्ट इन क्लास ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। जहां जॉन डियर 50-50D की मैं बात करूं तो ये 3 सिलेंडर के साथ आता है, 50 HP की श्रेणी है, जो कि आपको 2900 cc के इंजन के साथ देखने को मिलेगा, 2100 rated RPM में काम करता है। तीनों ही ट्रैक्टर किसान भाइयों आपको 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ देखने को मिलेगा। जहां जॉन डियर में आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और आपको पावर ट्रैक के साथ भी आपको 60 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी, लेकिन आपको सिकंदर में 5 लीटर कम 55 HP फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। जहाँ ये ट्रैक्टर की प्राइसिंग को लेकर बात किया जाए तो उसमें जॉन डियर काफ़ी कॉस्टली निकल जाता है, आपको जॉन डियर थोड़ी सी महंगी देखने को मिलेगा, लगभग 7,30,000 से लेकर 7,50,000 के आसपास इसकी प्राइस जाती है। वहीं आपको पावर ट्रैक का जो कीमत है वो 6,80 के आसपास देखने को मिलेगा और सिकंदर भी इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, लगभग 6,60,000 के आसपास ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। जहां आप तीनों ट्रैक्टर में काफी बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं, अगर आपके नजदीकी में जॉन डियर का शोरूम है तो बिल्कुल आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जॉन डियर के साथ जाइए। और पावर ट्रैक और सोनालिका भी काफी बेहतर ट्रैक्टर है किसान भाई, आप तीनों ट्रैक्टर में से कोई भी अगर एक ट्रैक्टर भी सेलेक्ट करते हैं तो आपका डिसीजन गलत नहीं होगा। 50 HP की श्रेणी में किसान भाई मल्टी टाइप ऑफ इंप्लीमेंट चला सकते हैं, बहुत से इंप्लीमेंट चलाने में सक्षम है, बड़े बड़े इंप्लीमेंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों अब मैं आपको लास्ट ट्रैक्टर बता देता हूं, जो कि 50 और 55 HP की श्रेणी में, यकीन मानिए किसान भाइयों ये ट्रैक्टर 110% सक्सेस इंजन के साथ मिलेगा आपको, सक्सेस ट्रैक्टर है। और आज तक भी जितने किसान भाई इसे यूज किए हैं, इस्तेमाल कर भी रहे हैं, वो ये ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस के अलावा कोई दूसरा ट्रैक्टर लेना भी पसंद नहीं करते। मैं बात कर रहा हूं किसान भाइयों स्वराज 855, ये ट्रैक्टर 3 सिलेंडर के साथ आता है, 3,307 cc के इंजन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही 2000 रेटेड RPM में काम करता है। इसमें भी आपको 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स ऑफ गियर देखने को मिल जाता है, 60 लीटर की काफ़ी बड़ी फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के साथ देखने को मिलेगी। ये जो इंजन है किसान भाइयों इतना भरोसेमंद इंजन है, कोई भी किसान भाई इस ट्रैक्टर में अगर डिसीजन बनाता है तो उसका डिसीजन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और साथ ही किसान भाई इसकी जो प्राइसिंग भी है वो आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग के साथ देखने को मिलेगा, लगभग इसकी प्राइसिंग 7,80,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग जाती है। किसान भाइयों आप अपने नज़दीकी एरिया में जाके इसकी प्राइसिंग एग्जैक्ट आप ले सकते हैं और साथ ही इसमें आप पोटैटो फार्मिंग कर सकते हैं, थ्रेसर चला सकते हैं, रोटोवेटर चला सकते हैं और आप बड़े बड़े इंप्लीमेंट जैसे कि किसान भाइयों बड़े आप कल्टीवेटर, बड़े आप रोटोवेटर वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस लेता है। और 855 को किसान भाई तो डोजर लोडर या तो फिर हार्वेस्टर वगैरह में भी यूज़ करते हैं और काफ़ी सक्सेस इसका माइलेज निकल के आता है इस श्रेणी में। तो ये जो लिस्टेड थे किसान भाइयों हमने काफ़ी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि आपका डिसीजन बेहतर हो सके ट्रैक्टर सिलेक्शन के लिए। अगर आप कोई ट्रैक्टर का प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ये सारे ट्रैक्टर का लिस्टेड आप अपने चयन में रखें ताकि आप ये ट्रैक्टर को एक बार देखिए और उसके बाद फिर अपना डिसीजन आप लीजिएगा। तो किसान भाइयों ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।